एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर में फलकनाज और पूजा भट्ट को क्यों सता रहा है डर? डर, वो भी वीकेंड के वार का। जी हाँ, क्यों घबरा गई हैं अब दोनों? क्या बोला है फलकनाज ने पूजा को ऐसा? चलिए हम आपको पूरी खबर बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबाएं। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर फलकनाज आज आराम से सुस्ता रही हैं, क्योंकि बिग बॉस ने बाथरूम एरिया को बंद कर दिया है और अभी तक कोई भी नहाकर बाहर नहीं आ पाया है। ऐसे में फलकनाज लेटी लेटी पूजा भट्ट से कहती हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे लग गया है कि वो जो मेरे कपड़े आए हैं उसके बाद से ये डर मेरा बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगा मानो फलकनाज ये कहना चाह रही हूँ कि उनके कपड़ों के साथ एक लेटर भी आया है शायद उनके घर से। फलकनाज को अब वीकेंड के वार का डर सता रहा है। फलकनाज पूजा से ये कहने लगी कि कल वीकेंड का वार है और बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे में पूजा ने कहा कि हाँ, बोला बहुत कुछ है तो हो सकता है हमें भी बहुत कुछ बोला जाए, लेकिन अपनी बातों को रखना जरूरी है फलक, और हमने कुछ भी गलत नहीं बोला है तो हमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में फलक ने कहा, हाँ हमने तो सही बोला है, पर ये नहीं पता चलता ना कि बाहर उस चीज को कैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है, किसको सही दिखाया जा रहा है और किसको गलत। जिसके बाद पूजा बोलती हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सही है वो सही ही दिख रहा होगा और जो गलत है वो गलत ही दिख रहा होगा। एंड डोंट वरी, हम गलत नहीं दिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इनको नहीं पता है कि इस बार वीकेंड के वार पर इनकी तो लगने वाली है मस्त वाली क्लास, क्योंकि सलमान खान इनको जमकर सुनाने वाले हैं। जिस तरह से इन्होंने बीते हफ्ते किया है परफॉर्म और जिस तरह से इन्होंने अभिषेक की धज्जियां उड़ाई हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से इनकी क्लास लगना तो पक्का है। आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में आप जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।